हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम पाड़ोई। आयुष पिसारी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैंने कुछ मेरे एक दोस्त के घर से कुछ प्लाटी लेके आया हूँ, वो आप लोगों को दिखाऊंगा ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि आप लोगों को दिखाना है कि कैसे ब्रीडिंग करना है। तो चलिए पहले मछली को देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने ऐसे ही उससे ले लिया, पैसा भी नहीं दिया उसको, वो मेरा दोस्त है इसलिए उससे ले लिया। इसमें मेल फीमेल कुछ सेपरेट करके नहीं लिया है, बस कुछ ही बचा था उसने सेल किया था पार्टी को, उसके बाद कुछ ही उसके टैंक में बचा था वो हमने ले लिया है। सभी लोडेड है अंडे से, मगर कुछ दिन लगेगा इसको ब्रीड करने में, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर लोडेड फीमेल लाया जाए तो वो ब्रीड हो जाते हैं, ऐसे ही ये नहीं होता है। उसका पानी अलग है, हम लोगों का पानी अलग है, इसके पेट में ही अंडा खराब हो सकता है। देखिए इसमें 4-5 तो ही सिर्फ मेल है, उससे काम चल जाएगा हमारा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। आप लोग देखिए सब हेल्दी मछली है, देख सकते हैं। इसको ऐसे ही एक पुराने टैंक में रख दिया है, एक्चुअली मेरे घर पे अभी टैंक कोई रेडी नहीं है इसलिए पुराने टैंक में रख दिया है, मगर इसका पानी ठीक ही है, पानी अच्छा है, पानी कुछ ख़राब नहीं है पानी में, और 2 दिन पुराना पानी है। लोग सोचते हैं कि पानी मतलब जो नीचे से मिट्टी के नीचे से जो पानी आज उठता है वही पानी दे देने से अच्छा रहेगा, वो गलत है। पानी हमेशा 1 या 2 दिन पुराना पानी लेना चाहिए। देखिए ऊपर से भी दिखाता हूँ आप लोगों को, 16-17 मछली है शायद, मैंने गिना नहीं है ठीक से। तो आप लोगों ने देख ही लिया है प्लाटी मेरा, अभी इसको और कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ डपनिया और ट्यूबीफ्लेक्स खिलाएंगे, रोटी नहीं खिलाएंगे। एक्वेरियम में रोटी नहीं देना पड़ता है, ठीक है, रोटी देने से एक्वेरियम गंदा हो जाता है, एक ही दिन में पूरा खराब हो जाएगा पानी। इसको ये जो क्या बोलता है, इसको गप्पी ग्रास शायद बोलता है, मुझे पता नहीं है क्या बोलते है, सिर्फ ये ही दे देंगे और कुछ नहीं लगेगा। देखिए एक्चुअली ये मॉली गप्पीस के जैसा है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसमें एक ग्रास हमने दे दिया है, बस थोड़ा सा ही दे दिया है, क्योंकि बच्चा जो जब देता है ना, बच्चा को हाइडिंग प्लेस चाहिए, नहीं तो प्यारी खा लेगा उसके बच्चे को, इसलिए बस थोड़ा सा ही दे दिया है। एक तो फीमेल अभी लोडेड है, बहुत ज़्यादा लोडेड है, ठीक है, शायद कल या परसों, अगर बारिश होगा तो कल ही दे देगा, नहीं तो शायद परसों दे देगा। देखिए ये सामने वाला बहुत लोडेड है, इसको बस ऐसे ही छोड़ देंगे, और कुछ नहीं लगता है प्लाटी ब्रीड करने में। प्लाटी का अभी मार्केट भी अच्छा है, ये झुंड में घुटता है, और ये लाइव प्यारर है, इसको ब्रीड करना बहुत इजी है, ये 2-3 महीने में पूरा बड़ा हो जाता है, ब्रीडिंग के साइज हो जाता है, उसके बाद बिक जाते हैं। होलसेल मार्केट में इसका डिमांड भी अच्छा है, देखिए इसका मेल फीमेल पहचानना भी बहुत इजी होता है, मेल साइज में छोटा होता है और फीमेल साइज में बड़ा होता है, मौली के माफी की है,
और मेल का कलर भी थोड़ा डीप होता है, फीमेल का कलर कम होता है। प्लाटी का बहुत सारा वैरायटी होता है, मैंने सिर्फ रेड प्लाटी लाया है, ब्लैक टेल रेड प्लाटी, इसको ऐसे ही प्लाटी बोलते हैं और क्या बोलते हैं स्पीसीज वो मुझे पता नहीं है, लाइबियारर है बस इतना ही। अच्छा लगता है जब प्लाटी ऐसे ही घूमता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए सभी हेल्दी है, 16-17 के आसपास है शायद। प्लाटी हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि इसका एक प्रॉब्लम है, इसको अगर आप खाना ठीक टाइम पे ना दे, मतलब इसका खाने का अगर कुछ कम हो जाए हर दिन का खाने में, तो ये बाइंड होना शुरू कर जाते हैं, मतलब बैंड हो जाता है थोड़ा, इसलिए प्लाटी नहीं करते हम। इसको प्रॉपर खाना देना पड़ता है हर रोजाना, ठीक मतलब पूरा पेट भर जाए इतना खाना देना पड़ता है। एक प्लाटी आप लोगों को दिखाता हूँ, इतना ज़्यादा लोडेड है, देखिए ये वाला बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। तो जब बच्चा हो जाएगा ना, तो उसके बाद भी मैं आप लोगों को वीडियो दिखा दूँगा। अगर आप लोगों को मैं हर रोज वीडियो छोड़ता, अभी छोड़ूंगा, रोजाना नहीं एक दो दिन छोड़ के ही छोड़ता रहूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो छोड़ता रहूं, कोई भी वीडियो छोड़ता रहूं, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि अच्छा लगा है मैं रोजाना वीडियो छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं रोजाना जो काम करता हूं मछलियों का, उसका वीडियो छोड़ रहा हूं अभी। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी है, अगर चैनल अच्छा लगा, मैं अच्छा लगा, तो आप कमेंट कर मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं तभी, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब करने के लिए मैं जोर नहीं करूँगा किसी को, क्योंकि वो करना ना करना आपकी मर्जी है। तो दोस्तों आखिर में ये आपको दिखा रहा हूँ, देखिए प्लाटी का कितना बच्चा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शायद 20 से 25 बच्चा हुआ है, 4 दिन के बाद हुआ है, मैंने रखने के 4 दिन के बाद हुआ है, इसलिए इसको वीडियो में भी अटैच कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि मेरा मौली का बच्चा मर गया, मेरा प्लाटी का बच्चा मर गया, मेरा गप्पी का बच्चा मर गया, मेरे पास नहीं मरता है, इसलिए मैं उन लोगों को जवाब ही नहीं दे पाता हूँ कि क्यों मर गया। मैं देखिए एक छोटे से टैंक में रखा हूँ, टैंक नहीं है ये, प्लास्टिक का जार है, 1 फीट बाई 1 फीट इसका लेंथ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसको सिर्फ डपनिया खिला रहा हो और कुछ नहीं, ये अच्छे से रह रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये देखिए अच्छे से स्विम भी कर रहा है। ये बच्चा अभी 2 दिन का हो चुका है, 2 दिन पहले बच्चा दिया है। एक्चुअली मैंने जो वीडियो आप लोगों को मतलब जो देखते आ रहे हैं, जो वीडियो आप दे, वो वीडियो मैंने 1 हफ्ते पहले उठाया था, उसके 4 दिन बाद बच्चा दिया है, और उसके 2 दिन बाद मैं ये बच्चे का वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, देखिए अभी इसको और 20-25 बच्चा हो जाने के बाद इसको टैंक में छोड़ देंगे। डफनिया भी आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा है, देखिए डफनिया ये लोग अच्छे से खाएगा घूमते फिरते, देखिए कितना सारा डफनिया है,
आज के ये वीडियो बस इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब आपका मर्जी है। तो फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो लेके, तब तक के लिए बस इतना ही।